हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सब ठीक होंगे अल्लाह का शुक्र है। मैं भी ठीक हूँ। आज हम गोलगप्पे बना रहे हैं, पानी पूरी भी कहते हैं। तो मैं आज दो तरह से बनाना बताऊंगी, एक तो खाली सूजी के और एक सूजी और आटे के। तो देखें, सबसे पहले ये मैंने एक कप सूजी ली है, मोटी वाली सूजी, उसे मैं इस तरह से पूरी छान लूँगी। तो थोड़ा सा मैं ये तेल ऐड करेंगे, 3-4 चम्मच के करीब, और इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे पहले पूरी सूजी में। और जितना हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा हम टाइट लगाएंगे और रेस्ट पे ही रहेगा ये, तो आप अंदाज़ा कर लें। बस सारा ऑयल मिलाने के बाद हल्का सा पानी लेंगे हम, और फिर इस तरह से मिलाएंगे अच्छे से। सूजी को हम रेस्ट पे रखेंगे 20 मिनट, ये फूलेगी। हल्का हल्का पानी डाल के हम इस तरह से इसका एक डो लगा लेंगे टाइट। तो देखें, ये डो मैंने बढ़िया से लगा लिया है, ये देखें थोड़ा सा टाइट है आटे से। और मैं जो है चारों तरफ से ऑयल लगा दूंगी, और हम इसे रेस्ट देंगे 20 मिनट। और मैं क्या करती हूँ, उसको एक पॉलिथीन में इस तरह से बंद करके हम रख देंगे, इससे ये सूखेगा नहीं बिल्कुल भी। ये देखें, इसे हम साइड रख देंगे। और फिर से मैंने बाउल ले लिया है और ये चन्नी ले ली है, ये देखें फिर से ये सूजी ली है मैंने। हमने कप से भी थोड़ा सी मैंने कम सूजी ली है, और 1.5 कप मैंने ये आटा लिया है, ठीक मैंने छान ली है। और मैं इसे मिक्स कर दूंगी, और जिस तरह हमने अपना सूजी वाला डो लगाया उसी तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी गिर के इसको भी गूंदेंगे। और इसमें हम ऑयल नहीं डालने के, आटे वाले में, सूजी वाले में हमने डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एक साथ ना डालें। तो देखें, ये भी मैंने इस तरह से गूंद, आपको इतना ध्यान रखना है नॉर्मल आटे से इतना टाइट होना चाहिए। इस पर भी मैं ऑयल लगा दूंगी, और इसे भी मैं पॉलिथीन में करके रख दूंगी, और मिलते हैं हम। देखिए, मैंने 20 मिनट के बाद आटा देखा है, ये बहुत अच्छा, बिल्कुल भी सूखा नहीं है, बहुत जैसा हमें चाहिए था ऐसा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसके थोड़े थोड़े इस तरह से इसे 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगी, और हम इसको इस तरह से कर लेंगे। इस तरह की साइज की हम सारी गोली तोड़ लेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर तोड़ेंगे। इस तरह से हमने सबकी गोली बना ली थी, और हमने एक उठाई है, और ये देखें हम इस तरह से इसको लंबी शेप में बेल देंगे, ना मोटा हो ना बारीक, इस तरह से आप सारे बेल लें। ये देखें मैंने कितने सारे बेल के रख दिए हैं। इसी तरह से 1-2 बार आप बेलन इस तरह से करें बस। और तेल भी मैंने, तो देखिए तेल हमारा तेज हो रहा है, मैंने रख दिया था, और मैं एक एक करके डालती जाऊंगी और दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, ये अपने आप से फूलते जा रहे हैं। तो देखें हमारे गोलगप्पे कितने अच्छे से तैयार हुए हैं, और सारे फूल गए हैं। तो इस तरह से हम अब दूसरा और भी बना लेंगे, और दिखाते हैं हम। तो देखें, हमने सारे बना लिए हैं। अब हम जो आटा और सूजी के हमने डो लगाया था उसको मैंने इस तरह से गोली बना ली है, और मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इन पर इस तरह से घुमा लूँगी, तो ये सूखने की नहीं है, बिल्कुल तरह से कर लें।
और हम इन्हें गोल शेप में बेलेंगे। ये दिखाते हैं आपको, इस तरह से बेल बेल के हम सारे रख लेंगे। ये ना ज़्यादा बड़े ना छोटे, जिसे ये बन जाते हैं और गिर जाते हैं, सब काम ईजी है इनका और खाने में टेस्टी। तो देखिए हमने सारे इस तरह के बेल लिए हैं, और हम क्या करते हैं, जिधर से हम इस तरह के आप मैट पे रखते हैं, नहीं तो चिपक जाएंगे। जो साइड हमारी मैट की तरफ थी वो साइड तेल में जानी चाहिए। तेल हमारा तेज हो रहा है और आप भी तेज में ही डालें। ये देखें, अब हम इन्हें, ये जो साइड हमने मैट पर रखी थी, आप इस बात का ध्यान रखें पूरा, वो साइड तेल में जानी चाहिए जो साइड मैट पर रखी हुई थी। देखें किस कितनी बढ़िया तरीके से फूल गए हैं, फूल गए हैं, एक भी नहीं रहा है। अगर कोई बात नहीं, अगर फूल है ना तो उसके हम पापड़ी भी बना सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। तो देखें इसी तरह से हम सारे बनाएंगे। तेल ठंडा नहीं होना चाहिए और गोलगप्पे की सेब ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। तो देखें गोलगप्पे हमारे सारे बन गए हैं, और देखें कितने बढ़िया से सारे फूले हैं ये। अगर आपके फूले बिना तो कोई बात नहीं है उसकी। अब हम आपको पानी बनाना दिखाते हैं। तो देखें गोलगप्पे बना के मैंने साइड कर दिए हैं, और अब मैं पानी बनाती हूँ। एक मैंने कैरी ली है, ये लिया है मैंने पुदीना, हरा धनिया, और ये लिए हैं 4 से 5 हरी मिर्च। वैसे तो ये इमली से बनता है पानी, लेकिन मैं कैरी से बना रही हूँ, बहुत अच्छा बनता है। तो ये सब चीज़ मैं जार में डाल के पीस लूँगी और दिखाती हूँ मैं आप। चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लिया है और हम इनको पीसेंगे इसमें, और कैरी को डाल देंगे हम इसमें काट के पीस करके, और दिखाते हैं हम आपको। तो देखें ये मैंने जो चटनी आपको दिखाई थी, सामान दिखाई थी, उसकी चटनी पीस ली है। अब मैं इसे छानूंगी इसमें डाल के। तो देखें पानी हमने छान लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी गिर के चलनी में, और इसमें ठंडा ही पानी यूज़ करें, नॉर्मल पानी यूज ना करें, नहीं तो कलर ख़राब हो जाएगा। आप देखें ये मैंने हींग ली है, ये लिया है मैंने पानी पूरी मसाला, ये नमक, ये बूंदी ली है, और ये काला नमक है। अब हम इसमें एक एक चम्मच सब चीज़ ऐड कर देंगे। हींग हम कम लेंगे थोड़ी, टेस्ट कर लें, उसके बाद डालें। अब इसको हम चला देंगे और एक बार हम इसे टेस्ट करेंगे, जो चीज़ हमें कम लगेगी हम दोबारा डाल लेंगे, और सबसे बाद में हम इसमें बूंदी डालेंगे। तो हमारा पानी हो गया है रेडी, हमने इसे टेस्ट कर लिया, सब चीज़ ठीक है इसमें। हाँ मीठा पानी भी चलता है, लेकिन मैंने फिलहाल ये बनाया है। देखें हमने पानी भी बना लिया, गोलगप्पे भी, और एक चीज़ हमारी रह गई है, ये हमने आलू लिए हैं। इनको मैंने उबाल के मैश कर लिए हैं, और जो मैंने पानी बनाया था, गूदा हमारा ऊपर आ गया था चटनी के ऊपर, वो हमने चटनी इसमें डालने के लिए रख ली थी, ये वेस्ट भी नहीं जाने की, और इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला। आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो हरा धनिया कुछ भी इसमें, हरी मिर्च डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहने की, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। और मैं इसमें आधा नींबू डालूंगी, और अगर
अगर आप तो देखिए मैंने थोड़ी सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, मैंने इसमें फिर नींबू डाला है और आपको केरी के पानी में कम खट्टा लगे तो आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं। और इसे हम मिक्स कर लेते हैं, खाते हैं आपको डिश आउट करके। तो देखें हमने सारे गोलगप्पे बना लिए, पानी भी बना लिया है और ये हमने आलू का चटनी भी बनाई है। और एक हम आपको अब तोड़ के दिखाते हैं, देखें सारे हमारे फूले हुए हैं कितने बढ़िया से, ये देखें। और आपको हम दिखाते हैं, इस तरह से आप पानी को चलाएंगे तो आप एक बार जरूर बनाएं, हमें बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझ सारा प्यार है।